हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मेरी 9th month प्रेगनेंसी का फुल डे रूटीन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर सुबह हो गई थी और सुबह ना मैं उठ गई थी, सबसे पहले एक ग्लास लुकवार्म वाटर पिया मैंने, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके आ गई, मुँह हाथ धो के आ गई थी और उसके बाद ना हल्की लग जाती है भूख और चाय के बिना हमारा चलता नहीं है, तो थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, भले ही आधा कप पीऊँ बट पी लेती हूँ। और उसके साथ में मैंने घर पे ही बनाए थे स्नैक, जो चूड़ा होता है ना उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, मूंगफली और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आराम से बैठ के खा लेती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइक रूम की क्लीनिंग वगैरह कर ली, तो अभी कभी बारिश हो रहा है कभी धूप निकल रहा है, तो ब्लैंकेट की ज़रूरत हमें पड़ती है। और कल ना काफ़ी सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इसलिए कपड़े कल मैं फोल्ड कर नहीं पाई, तो कपड़े ऐसे बिखरे रहते हैं ना रूम में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने सुबह ही सारे कपड़े अच्छे से समेट लिए। और हमारे घर ना पापा लेकर आए थे भुट्टा, हमारे खेत में ही होता है भुट्टा, वही लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैं भुट्टा छील रही हूँ। मुझे तो भुट्टा ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है सच में, इसको आग में भूज के खाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही कहूँ सच में। और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है भुट्टा, और वैसे भी खैर आजकल तो हर सीज़न में मिल जाता है, लेकिन हमारे खेत वगैरह में ना सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलते हैं भुट्टे, तो वही लेकर आए थे। तो अभी आग जलाने की ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं हमारे इधर, हमारे घर में, तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको बॉईल कर लेते हैं। तो कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के इसको बहुत अच्छे से बॉईल करके ही हम खा लेते हैं, घर में सब लोग पसंद करते हैं और मैं भी वैसे ही खा लेती हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भुट्टा खाना, है ना, और गुड फॉर हेल्थ भी है। तो यहाँ पर मैं भुट्टे बॉईल करने के लिए रख दिए थे मैंने, फिर लग गई थी घर की क्लीनिंग करने के लिए। लाइक सुबह का जो भी घर की साफ़ सफाई होती है ना, झाड़ू पोछा और सारा कुछ क्लीन करना, तो इन सब कामों में मैं लग गई थी। और इतना सब कुछ करते करते ना आई थिंक 9:30-10 बज चुके थे, तो फिर से मुझे भूख लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स खा लिए, तो फ्रूट्स में नॉर्मली घर में जो भी चीज़ें होती है, एप्पल, बनाना, अनार और लाइक जो भी चीज़ें होती है ना, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और साथ में जो हरे वाले मूंग होते हैं ना, वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो वो भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद में काम वगैरह फिनिश करके नहा धोकर मैं आ गई थी, तो आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। जिस दिन हेयर वॉश करो ना उस दिन लाइक थोड़ा मैसी सा तो लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो हेयर वॉश करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहा धोकर फिर उसके बाद कर लिया था मैंने पूजा पाठ। उसके बाद जो है हो चुका था लंच टाइम, तो यहाँ लंच में ना आज कंटोल की भुजिया, करेला, दाल, अचार, रोटी और उसके बाद थोड़ा सा चावल भी मैंने खा लिया था।
तो लगभग बज रहे थे 12:30। तो आजकल मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं नहा पाती हूँ, इसलिए थोड़ा नहाने में लेट हो जाता है। और उसके बाद जब मेरा लंच कंप्लीट होता है तो कम से कम 20 मिनट में थोड़ा सा टहल लेती हूँ घर के अंदर ही, क्योंकि बाहर तो बारिश होती है या फिर धूप होता है, तो घर के बाहर टहलना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होता, तो घर के अंदर ही टहल लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो उतना ज़्यादा टहलने का मन नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट खाना खाने के बाद तो मैं टहल ही लूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब टहलना हो गया था तो खाना खा के ऑलमोस्ट हो गए थे हमारे 1.5-2 घंटे हो गए थे, तो पतिदेव भी आ गए थे, फिर उनको भी मैंने लंच दे दिया तो वो भी खा लिए थे। और आज ना हमारा दही खाने का बहुत ज़्यादा मन था और हम घर में ही जमा लेते हैं दही, तो खाने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर दही में मैं गुड़ डाल के और यहाँ मेरे लिए और पतिदेव के लिए लेकर आ गई थी। तो पतिदेव फ़ोन चला रहे हैं, मैं उनको मना कर रही हूँ कि फ़ोन क्यों चला रहे हो आप। तो ठीक है, ये वाली चीज़ आई थिंक हर हस्बैंड वाइफ में होती है कि वाइफ चाहती है कि हस्बैंड हमें टाइम दे, और जब वो फ़ोन चलाने लगते हैं तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में हमने दही खाया, तो अभी के टाइम पे लाइक दही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खा लेती हूँ, और घर के दूध का ही दही जमा कर खाती हूँ, मार्केट वगैरह का नहीं। मुझे बहुत पसंद है दही खाना और गुड़ डाल के तो और ज़्यादा, और दही वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए भी एंड ऑल सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज जो है खाने में मैं बना रही थी, वैसे तो बैंगन का क्या बना रही थी मुझे ही नहीं पता, लेकिन ये बन कुछ और ही गया सच में। बैंगन का मैं बना रही थी लाइक सिंपल सी सब्जी बना रही थी, बट वो इतना ज़्यादा घुल गया कि वो पूरा बैंगन का भरता बन चुका था सच में। तो ठीक है, बैंगन का भरता वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टेस्टी बना था, बना कुछ रही थी बट बन कुछ गया था, बट जो भी बना था बहुत अच्छा बना था। रोटियां बनाने के बाद फिर सब लोग हम मिलके खाना वगैरह खा लिए थे। तो आज के खाने में लाइक बहुत ही सिंपल सा डिनर था हमारा, मक्के और गेहूं के आटे की रोटियां मैंने बनाई थी और साथ में हरी मिर्च तल दिए थे, और ये बैंगन का सब्जी भरता जो बोलना है बोल लो वही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बना था। साथ में टीवी चल रही थी और सब लोगों ने बैठ के हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद वही नॉर्मल सिंपल सा जो काम होता है बर्तन वगैरह धोने का, किचन क्लीनिंग का, सारी चीज़ें मैंने करी। तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके से बीता है और काफ़ी अच्छा दिन रहा। तो होप कि आपको मेरा ये सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया होगा गाइज। तो अभी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।